हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पार्टी वेयर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। 8 to 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए यहाँ पे फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 2 मीटर लिया है, सैटिन का फैब्रिक लिया है वो भी मैंने 2 मीटर लिया है, और जो हमारा टॉप पार्ट बनेगा उसके लिए कॉटन का लाइनिंग लिया है मैंने, वो भी 1/2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है और यह अभी 4 फोल्ड में है। मेरी वाली साइड बंद वाली साइड है, ये ओपन साइड है। और इसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है, टॉप पार्ट की लेंथ हमें 12 इंचेस रेडी रखनी है। तो इसमें यहाँ पे 13 इंच पर मार्क कर लेंगे, 13 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। आपके बेबी का जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंचेस, 12 इंचेस है उसका, हाफ पार्ट 6 आ रहा है तो 6 पर मार्क कर लूंगी। वहीं से सीधे नीचे हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो आर्म होल के लिए भी यहाँ पे 6 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। आपकी जो भी चेस्ट है बेबी की उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे 28 इंचेस है उसका फोर्थ पार्ट, 7 इंचेस आ रहा है, 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। और ये जो है बॉटम साइड, वहां पे लेना है आपको वेस्ट का मेजरमेंट। आपकी जो भी वेस्ट है बेबी की उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर मार्क कर लूंगी। यहाँ पे 13 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से आर्म होल के लिए सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें जो चेस्ट का मार्क किया था और वेस्ट का मार्क किया था, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है। अभी ये लाइन जो है एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गए मार्जिन की मार्किंग। मार्जिन एज इट इज जितनी है उतना, जितना भी फैब्रिक यहाँ पे बच रहा है उतना मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लूंगी। यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों सेम रहेंगे, स्लीवलेस फ्रॉक बनेगी। तो ये हो गए आमूल की मार्किंग। नेक के लिए मार्क करेंगे, तो फ्रंट नेक की चौड़ाई जो रखेंगे हम 3 इंचेस रखेंगे, और नेक डीप रखेंगे वो भी हम 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, राउंड शेप देके नेक ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर 1/2 इंच जो है हमें आमूल साइड में डाउन कर लेने हैं। देखिए यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। ऐसे ही हमें ये जो सैटिन का फैब्रिक है उसकी भी टॉप पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है, और जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है, बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड में रखा है लेंथ वाइज। बॉटम पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे मैं 21 इंचेस रख रही हूँ। देखिए अप्रोक्स 21 इंचेस यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रखी है, और इसकी चौड़ाई यहाँ पे लगभग मैंने रखी है 45 इंचेस इसकी जो है चौड़ाई है। ऐसे हमें 2 रेक्टेंगुलर पीस कट कर लेनी है। देखिए ये फोल्डेड साइड है, वहां से हम इसे कट करके ओपन कर लेंगे। सैटिन का फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड में लिया है ये फैब्रिक मैंने, ये बंद वाली साइड है। यहाँ पे लेंथ जो रखी है मैंने 20 इंच सैटिन के फैब्रिक की लेंथ रखी है बॉटम साइड के लिए, और पूरे फैब्रिक में 20 इंचेस पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इस पार्ट को कट कर लेना है और 2 रेक्टेंगुलर पीस यहाँ पे कट कर लेने हैं बॉटम पार्ट के लिए। इस साइड से हम इसे कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी फैब्रिक की हमारी कटिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। ये मेन फैब्रिक है टॉप पार्ट के लिए, और ये 2 जो अस्तर का पार्ट है, और ये जो है बॉटम पार्ट का लाइनिंग है, और ये मेन फैब्रिक है। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। टॉप पार्ट की सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे कॉटन का जो फैब्रिक है वो नीचे रखना है, उसके ऊपर ये देखिए सैटिन का फैब्रिक जो है उसे सीधा रखना है। देखिए ये सीधी वाली साइड है और ये जो है अंदर वाली रॉन्ग साइड है। देखिए ऐसा रखना है, और हमें क्या करना है, ये जो नेक का पार्ट है देखिए अच्छे से मैच कर लीजिए नेक पार्ट और दोनों आर्म होल साइड। इस साइड से हमें इसे स्टिच कर लेना है। साइड से भी स्टिच कर लिया तो भी चल जाएगा, पूरा पार्ट जो है हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ तक सिर्फ ये नीचे वाला बॉटम ओपन रहेगा। दोनों लाइनिंग के फैब्रिक यहाँ पे मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हमें इसे उल्टा रखना है। ये देखिए ये कॉटन वाला फैब्रिक है,
अब हमें मेन फैब्रिक जो है, ये देखिए ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, सीधी साइड नीचे रखनी है, मेन फैब्रिक को उल्टा रख देना है, देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, ये फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक हमें दोनों आर्म होल पार्ट और ये जो नेक लाइन है उसके ऊपर अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद हमें ये जो पार्ट है सीधी साइड टर्न कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक जो है अटैच कर लिया है नेक पार्ट में। अब हमें यहाँ पे नॉचेस लगा लेने हैं नेक पार्ट में और आर्म होल पार्ट में। हल्के से नॉचेस लगा लीजिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर दीजिए। देखिए नॉचेस लगा लिए हैं, अब इस फैब्रिक को सीधी साइड कर लेंगे। देखिए फैब्रिक को सीधी साइड टर्न कर लिया है। अब हमें नेक के पार्ट के ऊपर और ये जो आर्म होल पार्ट है उसके ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। ऐसे ही हमें बैक पार्ट रेडी कर लेना है। बैक पार्ट का सेंटर से कट करके हमें सिर्फ बैक पार्ट में जिप अटैच कर लेनी है। बैक पार्ट को सेंटर से डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है देखिए, ये सेंटर वाला पार्ट है उसके ऊपर ऐसे स्टिच कर लेनी है। सबसे पहले ऊपर की साइड से स्टिच कर लेनी है, उसके बाद ये जो स्ट्रिप है वो हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देनी है और उसके ऊपर हमें जिप अटैच कर लेनी है। ये फ्रेंड्स बैक पार्ट में यहाँ जिप जो है अटैच कर ली है सेंटर की साइड से, बहुत ही अच्छे से इसे सेट कर लिया है बहुत फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे जिप जो है हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। बॉटम पार्ट का फैब्रिक लिया है यहाँ। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हमें गैदरिंग बना लेनी है। बड़े टाके की स्टिच लगा के हमें यहाँ पे ये जो है गैदरिंग का पार्ट बना लेना है। जितनी हमारी वेस्ट लाइन है, ये देखिए ये जो फ्रॉक की वेस्ट लाइन जितनी है उतना ही हमें यहाँ पे गैदरिंग कर लेना है। ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। बड़े टाके की स्टिच लगा ली है। अब 2 धागों में से 1 धागा खींचते हुए हमें इस पार्ट में गैदरिंग बना लेनी है। हल्के से खींचना है, कहीं पे भी सिलाई या धागा यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे खींचते हुए पूरे पार्ट में गैदरिंग बना लेंगे। जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें गैदरिंग बना लिए है और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है नेट का फैब्रिक उसमें भी यहाँ पे गैदरिंग बना लिए है। अब हमें एक के ऊपर एक रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सबसे पहले देखिए ऐसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो है टॉप पार्ट है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए इस पार्ट को हमें देखिए ऐसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। ऐसा ही हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट बना लिए है, 2 बेल्ट मैंने यहाँ पे बना लिए है। ये दोनों बेल्ट जो है हमें फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें अटैच कर लेने हैं। देखिए ऐसे अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। अटैच करने के बाद दोनों बेल्ट जो है आगे वाले पार्ट में रखेंगे, उसके ऊपर ये जो बैक वाला पार्ट है उसे रखेंगे। देखिए ऐसे शोल्डर से शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर फिटिंग हो गई है यहाँ पे और फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हमें एज इट इज जैसे मार्किंग की है वैसे फिटिंग कर लेनी है। ये जो बॉटम पार्ट है उसे सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। देखिए सिंपली डबल फोल्ड करेंगे और पूरा स्टिच कर लेंगे। वैसे ही ये जो मेन फैब्रिक है उसे भी सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे या फिर आप पिको भी करवा सकते हो इसे। फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी है पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचती रहे।